आयोडीन कंटेंट अगर आपके खाने में कम रहेगा, जैसे आयोडाइज नमक आप नहीं लेंगे या फूड्स रिच इन आयोडीन अगर आप कम लेंगे, तो इट मे हेल्प। हाइपरथायरॉयडिज्म आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट योर डाइट इज वेल बैलेंस्ड, हैव इनफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हेन इट कम्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जब आपकी बॉडी कम सिक्रीट कर रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, ऐसे कोई भी फूड आइटम्स जो एक्सेसिव फैट है या शुगर है को अवॉइड करिएगा। एक्सरसाइज डज प्ले अ मेजर रोल इन एनी ऑफ द थायराइड डिसऑर्डर्स।